तो दोस्तों हमारे इस सफर की शुरुआत होती है 23 मार्च 2019 और आज की डेट है 31 दिसंबर 2020। अब तक का हमारा सफर बहुत ही लाजवाब रहा, जिसमें आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है हमारे 2020 में, और इसी कारण से आज ये वीडियो बन पा रही है जिसका नाम है YouTube Rewind Spiritual Tech 2020। दोस्तों जितना अच्छा साल हमारा 2020 बीता, इसमें आपने हमें इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि हमारे इस साल मोर देन 11,500 लाइक स्मैश किए गए हमारे वीडियो को, 2,29,000 से ज्यादा लोगों ने देखा और साथ ही 5 लाख से ज्यादा वॉच टाइम हमें दिया गया। और ये सब कैसे हुआ? सिर्फ आपके सपोर्ट के कारण। इस साल बहुत सी नई चीजें हुई। सबसे पहले बात करते हैं हमारे 2019 के सफर के बारे में। उस साल मुझे इतना कुछ सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं नई नई चीजें गया। कैसे करते हैं एडिटिंग, कैसे इन्फो निकालते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, ये सब 2019 में मेरा मोस्ट ऑफ द फोकस यूट्यूब पे था और मैंने अपनी स्टडीज पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से मैं अपने स्कूल में 88% तक ले पाया। लेकिन अगले साल मैंने अपने स्टडीज पे ज्यादा ध्यान दिया और अगले साल से मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो होना शुरू हुआ। 2020 यही वो साल है जब मैंने 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट किए। 1K के बाद 2K, 3K और 4K भी मैंने इस साल कम्प्लीट किए। मेरा स्कोर था कि December 31, 2020 तक मैं 10 की सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाऊं, लेकिन वैसा तो नहीं हो पाया क्योंकि बीच में काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से मैं वीडियो थोड़ा लेट डालने लग गया और इसी वजह से शायद मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूज थोड़े से डाउन चले गए, जिसके कारण से मैं 10K तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन 4.4K तक मैं पहुंच गया और ये सब भी आप ही के सपोर्ट के कारण हो पाया। January 1, 2020 को मेरे 300 से भी कम सब्सक्राइबर्स थे, तो मेरी जर्नी कहां से शुरू हुई? असल में मेरी मेन जर्नी शुरू हुई थी फरवरी की उस वीडियो के साथ जिसका नाम था टेलीकिनेसिस, जो कि टेक फैक्ट्स के साथ एक कोलैब था। टेक फैक्ट्स मेरा एक स्कूल का दोस्त है जिसका असली नाम है ऋषभ, और वो वीडियो जस्ट वायरल चले गई जिस पे आज 61K प्लस व्यूज हैं, यानी 61,000 से ज्यादा। और उसी महीने में मैंने एक और वीडियो डाली थी यानी फेब के महीने में, और उस वीडियो का नाम था पायरोकिनेसिस, जो कि आज 10K प्लस व्यूज के साथ आपको दिख गई होगी। तो ये बात तो कहनी पड़ेगी कि 2020 की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी मेरे YouTube चैनल के लिए, जिसमें मेरा चैनल भी जुलाई के महीने में मोनेटाइज्ड हो गया। जी हाँ, जिस बंदे के January 1st 2020 को 300 से भी कम सब्सक्राइबर थे, उसी बंदे ने जुलाई के महीने में अपना चैनल मोनेटाइज्ड करवा लिया। इसमें मैंने मार्च के महीने में कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि उस समय मेरे 9th के एग्जाम्स चल रहे थे। हालांकि कोरोना के कारण काफी सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन इसी बीच हमें काफी सारा टाइम मिल गया YouTube पे और ज्यादा फोकस करने के लिए, उस पे और ज्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट्स डालने के लिए। इसके बाद से मेरे को लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जब मैंने अपनी मार्च के महीने में पेपर खत्म होने के बाद पहली वीडियो डाली 23 मार्च 2020 को, जब हमें एक साल YouTube पे कंप्लीट हो चुका था, उसमें मुझे काफी सारे अननोन बंदों ने कमेंट किया और कुछ अच्छे कमेंट्स भी उसमें मेरे को देखने को मिले। और दोस्तों ऐसे करते करते मेरे काफी सारे सपोर्टर्स इस साल बन गए। देखते देखते हम वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होने लगे, जिसमें से मार्च के महीने में मेरे को सबसे पहला अपना एक देशी दोस्त मिला जिसका नाम था फरी शहजाद। ये उनका असली नाम नहीं है, उनका रियल नेम रिवील नहीं कर सकता। उनके साथ मैंने एक दो कोलैब भी किए, जैसे ड्रीम्स के ऊपर एक वीडियो, और उनके साथ मैंने काफी ज्यादा बातचीत की थी, मतलब सुबह बातचीत करो शाम को बातचीत करो, और यही सब हम करते जा रहे थे। एक दो महीने हमने ऐसी बातचीत की, फिर उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी तो बातचीत नहीं कर पाए। यही वो साल था दोस्तों जिसमें मैंने सबसे ज्यादा कोलैब किए अलग अलग लोगों के साथ, जैसे कि ताहा, मेरे स्कूल के दोस्त मिस्टिकल फैक्ट्स, ग्रेट तनिष, इनफिनाइट नॉलेज, साईफाई टेक, गुलरेज वन और अनजान 47, जिनके साथ का कोलैब काफी धमाकेदार गया और काफी सारे लोग उसमें मेरे को काफी ज्यादा सपोर्ट दिए और उनका आगे का पार्ट बनाने को भी बोले। ये सब देख के मुझे काफी खुशी हुई। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे कुछ पहले की वीडियोस और अब के वीडियोस की, तो ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड 2 उर्फ स्वीटू, एंड आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है क्योंकि आज से एक नया नाम का चैनल आ चुका है जिसका नाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड 2। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रो इसी वीडियो में देना चाहूँगा। मैं भी टीनेजर हूँ और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। इस मैं ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे सकता,
तो दोस्तों ये थी मेरी पहली वीडियो जो कि मैंने 23 मार्च 2019 को जाके डाली थी। और ये मैंने आपको क्यों दिखाई, क्योंकि ये अब आपको नहीं दिखने वाली है मेरे चैनल पे, क्योंकि ये मैंने डिलीट कर दी है। इस वीडियो का नाम था जीरो केनेसिस, और इसमें आप देख सकते हो कि ना मेरी आवाज़ उतनी अच्छी है, ना मैंने कुछ अच्छे तरीके से बोला है, और ना ही कुछ काम की वीडियो ये थी। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। इसके बाद मैंने इसका रीमेक बनाया काफ़ी समय के बाद, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये उतनी अच्छी वीडियो नहीं है और मैं इसका रीमेक और अच्छा बना सकता हूँ। तो मैंने इस वीडियो को डिलीट किया और फिर से इसी के ऊपर दोबारा काम किया, और अब आप देख सकते हैं ये वीडियो जो कि मैं अभी थोड़ी सी प्ले करने वाला हूँ। जीरो काइनेसिस ये एक ऐसी साइकिक एबिलिटी है जो कि बहुत ही जरूरी है जब आप कोई दूसरी साइकिक एबिलिटी सीख रहे हो। आपने आज तक टेलीकाइनेसिस, क्रायोकाइनेसिस, पायरोकाइनेसिस, हाइड्रोकाइनेसिस, एटमोकाइनेसिस सभी साइकिक एबिलिटीज के नाम सुने होंगे, लेकिन जीरो काइनेसिस आज आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जीरो काइनेसिस होता क्या है, और अगर आप पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी जीरो काइनेसिस का टॉपिक सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो कि मैंने थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव किया है, और यही चीज जब मेरे एक साल के अंदर सिर्फ 250 सब्सक्राइबर्स कुछ थे, तब भी मैंने हार नहीं मानी। मैं लगातार काम करते गया। मुझे नहीं पता था कि मेरा चैनल कब तक सक्सेसफुल होगा, लेकिन मैंने ये जरूर ठान ली थी कि अगर बाकी सब कर सकते हैं तो मैं भी ये काम जरूर कर सकता हूँ, और अंत तक मैंने हार नहीं मानी। और आखिरकार एक साल से ज्यादा यूट्यूब पे काम करने के बाद मुझे थोड़ी बहुत सक्सेस मिल गई। अभी मेरा गोल यही है कि मैं बस जल्दी से जल्दी 10K सब्सक्राइबर्स, 100K और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को स्मैश कर सकूं, और अपने दोस्तों को और बाकी सबको दिखा सकूं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी उम्र क्या है, अगर तुम में वो एबिलिटी है, अगर तुम में वो पोटेंशियल है कि तुम किसी काम को बड़े लोगों से ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, तो दूसरे लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए, जैसे कि काफी लोगों ने मेरे साथ किया था। शुरू में मेरे दोस्तों ने काफी ज्यादा कहा था कि तेरा चैनल बहुत बेकार है। कुछ लोग सपोर्ट करने वाले भी थे, लेकिन कुछ लोगों ने मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था। और जब मेरे 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट हुए, तब उन्हें ये बात माननी पड़ी थी कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एज क्या है, तुम कैसा स्कोर करते हो, बस फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम्हारी विल पावर कितनी है, और तुम उस काम को कितना सीरियसली, कितना रेगुलरली, कितनी अच्छे तरीके से कर सकते हो। मुझे पता है कि इस वीडियो पर उतने व्यूज नहीं आएंगे क्योंकि मेरे रेगुलर कंटेंट से डिफरेंट है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ आप लोगों को मोटिवेट करना कि आप जो जिंदगी में करना चाहते हो, अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो उसे करना मत छोड़ना, बल्कि ये ठान लेना कि इसने मेरा मजाक उड़ाया और एक दिन मैं इसका मजाक उड़ाऊंगा इस काम को पॉसिबल करके। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।